आज काफी दिनों के बाद मैं सचिवालय गया हुआ था और मैं चाहता हूं कि आज सचिवालय में क्या क्या हुई थोड़ा उनसे मैं आपको अवगत करा दूं। ऐसे आज भी माननीय प्रधान सचिव जी मिल नहीं पाए, काफी प्रयास किया बट आज भी वो ऑफिस में नहीं थे अपने। फिर उसके बाद मैं अन्य जगहों पर मिलने का प्रयास किया, अन्य अधिकारियों से जो मिला उनसे जो बातें निकल के आ रही हैं वो सबसे पहली बात प्राइमरी शिक्षक नियोजन की करें तो वहाँ पे शेड्यूल जो है अभी जारी नहीं किया गया है। शेड्यूल जो है वो चूँकि दिव्यांगजनों के आवेदन हो रहे हैं अभी, तो दिव्यांगजनों के आवेदन का जो डेट है वो जैसे ही डेट समाप्त होता है तो समाप्त होने के बाद जो है वो शेड्यूल को जारी किया जाएगा, ऐसा बताया गया था कि जैसे ही दिव्यांगजनों के आवेदन का डेट समाप्त होगा उसके बाद जो है वो आप लोग का डेट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा कब से कब आप लोग का जो नियोजन शेड्यूल होगा वो जारी करने का। और उसके बाद फिर मैं माध्यमिक शिक्षा डिपार्टमेंट में गया, काफ़ी प्रयास किया मिलने का, एक दो लोगों से बात भी हुई है और नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा किससे बात हुई है आप, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या मिला वो समझिए। तो इन्फॉर्मेशन एसटीटी 2019 के बारे में मिला यही कि 22 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, फिर से वही बात दोहराई गई कि 22 जून तक रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। लेकिन एक नया चीज़ आज जो जानकारी मिली है हमें वो ये कि एसटीटी 2011 जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनका जो है वैलिडिटी लाइफ टाइम बढ़ाई जा रही है। और ऐसा एनसीटी के चूंकि गैजेट ने नया गैजेट जो आया एनसीटी का उसने कर दिया है कि जितने भी टीईटी कंडक्ट हुए हैं वो सारे टीईटी की वैधता आजीवन की जा रही है। तो उसी संदर्भ में शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है कि एसटीटी 2011 जो हुआ था उसकी भी जो भी लोग हैं उनकी वैधता जो है वो लाइफ टाइम बढ़ाई जा रही है। देखिए लाइफ टाइम वैधता बढ़ाने से कोई हमें गुरेज नहीं है और ना हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज़ सोचना होगा शिक्षा विभाग को कि आगे जब चयन प्रक्रिया शुरू होगी तो 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो एग्ज़ाम हुआ है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन एक कॉम्पिटिटिव नेचर का था, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है 2011 से। और लेकिन उनका जो कहना था कि नहीं 2011 की जब वैधता बढ़ रही है तो वो उस नियोजन में शामिल होंगे जो आप लोग के लिए हाईस्कूल के लिए जो अगला नियोजन होने वाला है और सो कॉल्ड सातवा चरण। ऐसे हम लोगों ने तो हमेशा कहा है कि हमारा भाई कोई चरण नहीं है, हम लोगों ने एक ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दिया है, ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कोई चरण वरण की कोई बात नहीं होती। अब लेकिन हो सकता है शिक्षा विभाग टाल मटोल करने के लिए इसको सातवां चरण का नाम दे रहा है। ऐसे हम लोगों ने इस संदर्भ में पत्र भी लिखा था पहले भी मुख्यमंत्री सचिवालय को, शिक्षा विभाग को, उसका भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। उसके बारे में पता कराया कहाँ तक पहुँचा तो पता चला कि वो भी माध्यमिक शिक्षा डिपार्टमेंट में है अभी तक। अब उस पर क्या एक्शन होता है क्या ये तो विभाग इस पर तय करेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आज निकल के आई कि अगर 11 वालों की वैधता लाइफ टाइम हो जाएगी जैसा कि आज हमें पता चला तो क्या 11 वालों को हमारे साथ कम्पीट कराना, कहीं कहीं शिक्षा विभाग कुछ गलती नहीं कर रहा? मुझे तो लग रहा है कि पूरा का पूरा झोल ही कर रहा है। झोल इस मायने में कर रहा है कि शिक्षा विभाग के पास एक रास्ता ये है कि वो आराम से देख ले कितने अभ्यर्थी जो 11 में पास हैं वो 19 में भी क्वालिफाइड है, उनको फिल्टर आउट कर ले, बाकी जो लोग बच जा रहे हैं उनके लिए सीटों का प्रावधान कर ले। क्योंकि हमारे विज्ञापन में सीटें हमारी पहले से प्रावधानित है और अगर हमारी सीटों पे किसी को अगर मौका दिया जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये एक बीजारोपण हो रहा है दो लोगों के बीच लड़ाई का। और लड़ाई इस सेंस में है कि जब अभ्यर्थी खुद विज्ञापन में सीटें देख कर अप्लाई किए, एग्ज़ाम दिए और इतना टफ कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम पास किए जो दो दो बार तीन तीन बार हुआ, अब उसके बाद भी अगर आप ये कहिएगा कि अगला जो चरण जब भी होगा एसटीटी 2019 के लिए उसमें 11 वाले भी उसी सेम सीट के लिए फाइट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बीजारोपण ही हो रहा है कि बच्चे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चाहें। आपको पता होगा विज्ञापन सीटर कुछ भी नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर गाइडलाइन जारी किया है। ठीक है अगर एनसीटी का गाइडलाइन है कि आपकी वैधता बढ़ाने के लिए आप वैधता बढ़ा रहे हैं तो सीटों का प्रावधान भी आप करिए, लेकिन आप ये कहिए कि 2019 अभ्यर्थियों के लिए जो सीटें होगा उस पर भी 2011 वाले लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये बीजारोपण हो रहा है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए। खैर हमें अभी धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, इस पर हम लोग अभी आवेदन देंगे कि भाई जिन लोग की वैधता बढ़ा रहे हैं उनके लिए सीटों का भी प्रोविज़न आप खुद से करें, हमारी सीटों में कोई छेड़छाड़ ना होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग आवेदन देंगे और देने वाले भी हैं। पहले भी हम लोगों ने दिया था कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ाई जाए, और लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग की मंशा समझ में नहीं आती है कि हमेशा शिक्षक भर्ती देख लीजिए, आप बिहार के अलावा आप जाइए कोई और स्टेट में, आप देखिए यूपी में देखिए, आप झारखंड में देखिए,
अन्य जगह पे भी भर्ती होती है, लेकिन यहाँ 6 साल 7 साल ऐसा नहीं चलता जैसा बिहार में चल रहा है, वहाँ भी भर्तियाँ होती हैं, लेकिन ओवरऑल सरकार ने बस ये बीज रोपण कर दिया है कि हाँ भैया अभ्यर्थी आपस में लड़ेंगे, क्योंकि आप विज्ञापित सीटें कर दोगे और फिर कहोगे कि नहीं इस पर कोई और भी फाइट करेगा, तो ऑब्वियस है कि लोगों में निराशा होगा इन चीज़ों को लेकर। तो मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार के अधिकारियों तक पहुँचाइए कि वैधता तो आप बढ़ाइए, लेकिन वैधता बढ़ाने के साथ साथ सीटों का आकलन भी करिए कि कितनी सीटें चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी वैधता बढ़ाई जा रही है। अदरवाइज अगर 2019 STET विज्ञापन में जो सीटें विज्ञापित हैं और जो अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई कर गए हैं, सीटों के अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट दिया है कोटिवार और श्रेणीवार, तो अगर आप इसमें अगर उन लोग को फाइट कराइएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे किसी भी स्तर पे। ये एक समझिए कि हमारा सरकार से आग्रह भी है और एक परामर्श भी कर लीजिए या जो कह लीजिए आप, लेकिन हम इतने बता देते हैं हमारी विज्ञापित सीटों से अगर कुछ भी होगा हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसलिए सरकार से 6 साल 7 साल ऐसा नहीं चलता जैसा बिहार में चल रहा है, वहाँ भी भर्तियाँ होती हैं, लेकिन ओवरऑल सरकार ने बस ये बीज रोपण कर दिया है कि हाँ भैया अभ्यर्थी आपस में लड़ेंगे, क्योंकि आप विज्ञापित सीटें कर दोगे और फिर कहोगे कि नहीं इस पर कोई और भी फाइट करेगा, तो ऑब्वियस है कि लोगों में निराशा होगा इन चीज़ों को लेकर। तो मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार के अधिकारियों तक पहुँचाइए कि वैधता तो आप बढ़ाइए, लेकिन वैधता बढ़ाने के साथ साथ सीटों का आकलन भी करिए कि कितनी सीटें चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी वैधता बढ़ाई जा रही है। अदरवाइज अगर 2019 STET विज्ञापन में जो सीटें विज्ञापित हैं और जो अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई कर गए हैं, सीटों के अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट दिया है कोटिवार और श्रेणीवार, तो अगर आप इसमें अगर उन लोग को फाइट कराइएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे किसी भी स्तर पे। ये एक समझिए कि हमारा सरकार से आग्रह भी है और एक परामर्श भी कर लीजिए या जो कह लीजिए आप, लेकिन हम इतने बता देते हैं हमारी विज्ञापित सीटों से अगर कुछ भी होगा हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसलिए सरकार से आग्रह है कि वैधता बढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन उन लोग के लिए सीटों का भी व्यवस्था आप खुद से कर दें। धन्यवाद। कि मनसा समझ में नहीं आती है कि हमेशा शिक्षक भर्ती, देख लीजिए आप बिहार के अलावा आप जाइए कोई और स्टेट में, आप देखिए यूपी में देखिए, आप झारखंड में देखिए, अन्य जगहों पे भी भर्ती होती है, लेकिन यहाँ 6 साल 7 साल ऐसा नहीं चलता जैसा बिहार में चल रहा है, वहाँ भी भर्तियाँ होती हैं, लेकिन ओवरऑल सरकार ने बस ये बीज रोपण कर दिया है कि हाँ भैया अभ्यर्थी आपस में लड़ेंगे, क्योंकि आप विज्ञापित सीटें कर दोगे और फिर कहोगे कि नहीं इस पर कोई और भी फाइट करेगा, तो ऑब्वियस है कि लोगों में निराशा होगा इन चीज़ों को लेकर। तो मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार के अधिकारियों तक पहुँचाइए कि वैधता तो आप बढ़ाइए, लेकिन वैधता बढ़ाने के साथ साथ सीटों का आकलन भी करिए कि कितनी सीटें चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी वैधता